Easy English. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश। आज हम स्ट्रक्चर करेंगे जब हम कोई काम शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? दो तरीके से बोलते हैं, या तो लग लगेगा या शुरू। कैसे, मैं आपको दोनों बताता हूं। वह भोजन खाने लगा, या उसने भोजन खाना शुरू किया, दोनों आ सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है। लगा जाएगा, वह भोजन खाने लगेगा, वह भोजन खाने लग रहा है, लग चुका है, सभी आ जाएंगे। तो इसका रूल क्या बनाने का? सब्जेक्ट बिगिन अकॉर्डिंग टू टेंस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आप स्टार्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि बिगिन मैंने भी शुरू करना, स्टार्ट मैंने भी शुरू करना। बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, बिगिन बिगेन बिगन। स्टार्ट भी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म स्टार्टेड स्टार्टेड। ये तो आपको पता होगा, ये ध्यान रखना। यहां फर्स्ट फॉर्म में आई आता है, सेकंड फॉर्म में ए, थर्ड फॉर्म में यू। अगर आप स्टार्ट लगाते हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे लगाइए। देखिए, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आप बिगिन यूज करते हैं तो सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप स्टार्ट यूज करते हैं तो सर फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए आप सेंटेंस बनाते हैं। वह भोजन खाने लगा, या उसने भोजन खाना शुरू किया, लगा या शुरू किया। अच्छा, ये जो है अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, ये भी ध्यान रखना। यानी कि ये स्ट्रक्चर करने से पहले आपको टेंसेज आने चाहिए। लगा या शुरू किया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव है कि अफर्मेटिव, तो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बना देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम। ही बिगेन टू ईट फूड, या वैसे ही बना सकते हो, ही स्टार्टेड ईटिंग फूड, दोनों करेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे, अच्छा, अगर कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, जैसे वह भोजन खाने लग रहा है या वह भोजन खाना शुरू कर रहा है, तो कंटिन्यूअस में आप इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करना और ये स्ट्रक्चर बनाना। कैसे? वह भोजन खाने लग रहा था, या वह भोजन खाना शुरू कर रहा था। आप कोई भी एक ले लीजिए, तो आप उसमें कंटिन्यूअस टेंस है तो बिगिन की स्ट्रक्चर यूज करें। क्यों? क्योंकि ग्रामर कहते हैं कि दो, देखो कंटिन्यूअस में आईएनजी तो लगेगी इसके साथ, अगर दोनों तरफ आईएनजी लगती है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो आप बिगिन यूज कीजिए, ही इज बिगिनिंग, बिगिन के बाद आईएनजी, खाना खाने, भोजन खाने, टू ईट फूड। मैं उसे पीटने लगा, वह किताब पढ़ने लगा, वह भोजन खाने लग चुका है। आप इस तरह कितने भी मर्जी आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो मैं तो चाहूंगा आप इन सेंटेंस में प्रैक्टिस कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। नेगेटिव में बना सकते हैं आप, नेगेटिव में कैसे, किसी भी टेंस में आप यूज कर सकते हैं। क्या वह भोजन खाने नहीं लगेगा, या क्या वह भोजन खाना शुरू करेगा या नहीं करेगा, तो क्या आएगा? विल ही बिगिन टू ईट, या विल ही स्टार्ट ईटिंग फूड, दोनों आएंगे। ठीक है,
तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाइए, कोई भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।